हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSB की तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको जानना है कि दिल्ली में जो नई वैकेंसी आई है कौन सी है, तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है। जितनी भी अभी वैकेंसी फिलहाल दिल्ली में है तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख लो, फॉर्म भरना है तो भर सकते हो। एक बार देख जरूर लेना, शायद आपके काम की हो। ठीक है, देख लेते हैं। सप्लीमेंट रिजल्ट नोटिस है। सप्लीमेंट रिजल्ट आपको पता होगा एक एड ऑन रिजल्ट होता है, जिसमें कोई मेरिट थोड़ी बहुत नीचे होती है, फिर जो पेंडिंग कैंडिडेट रह जाते हैं उन्हें यहाँ पे फाइनल किया जाता है। तो यहाँ पे यही है। 13/7 कल का ये नोटिस है, पोस्ट कोड 13/19, जो कि है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, दो बच्चे हैं यहाँ पे, एक जनरल कैटेगरी में और एक यहाँ पे क्या नाम है, एक OBC कैटेगरी में। इन बच्चों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे कब से कब तक, 26/6 से लेके 1/7 के बीच में इन्हें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, जो कि इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो चुका है। अगर मैं मेरिट वगैरह की बात करता हूँ फिलहाल में जो अब है, ठीक है, अगर मान लो और भी रिजल्ट आते हैं तो थोड़ी बहुत नीचे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल की जो मेरिट गई यहाँ पे 115.25, OBC की 101.25, SC की 101.75, ST की 114.75 और PH में हमारे OH यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की गई यहाँ पे 93.5। तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो या फिर मुझे ही कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।